Hi friends, today I will discuss about how to calculate the pi of amino acids. Firstly, we know about structure of amino acids. The general structure of amino acid kya hota hai? COOH, C, H, R and NH3 positive. ये amino group है, ये carboxyl group है, hydrogen and aliphatic R chain represent करते हैं, ठीक है? तो ये जो फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड फॉर्म। और प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो हमें तीन बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज व्हेन द पीएच इज ग्रेटर देन पीके, ठीक है? ये यहाँ पे पीके लिख लो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, जब pH greater than pKa होगा तो वो क्या होगी? डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब pH इज लेस देन pKa, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है? When the pH is equal to pKa, तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है 50% protonated and 50% deprotonated form, ठीक है? तो ये three rules याद रखने। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, वहां पे जैसे अब अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड में क्या होते हैं, आयनाइजेबल ग्रुप भी होते हैं अमाइनो एसिड में। और तो यहाँ पे हम एक पी के यहाँ पे एक ही बार में दिखा दे गए, तो हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू से रिप्रेजेंट, इसके लिए जो पीके वैल्यू लिखते हैं वो पीके वन, इसके लिए लिखते हैं पीके टू, ठीक है? इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पी आई, ठीक है? अब फर्स्टली हम सिंपल अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्लाइसिन, ठीक है? तो ये बेसिक रूल्स तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है? हम इधर लिख दे रहे हैं, इनको तो याद ही रखना है। पीएच इज ग्रेटर देन पीके, डीप्रोटोनेटेड pH is less than pK, protonated pH equal to pK, 50% protonated, 50% deprotonated. अब हम ग्लाइसिन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ग्लाइसिन का सिंपल स्ट्रक्चर होता है ग्लाइसिन, ठीक है? तो ग्लाइसिन COOH, CR, H, NH3 पॉजिटिव, ठीक है? तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहां पे हम बेस प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे हमें प्रोटॉन रिलीज करना है तो हम बेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? तो जब बेस प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तब तक बेस प्रोवाइड कराते हैं जब तक ये वाला प्रोटॉन रिलीज नहीं हो जाता है, तो उससे हम बोलते हैं पीके वैल्यू। पीके वन इक्वल टू, देखो एक चीज और याद रख लो, क्योंकि सब अमाइनो एसिड का पीके वैल्यू पीके टू वैल्यू याद रखना बड़ा मुश्किल है, याद कर लो तो अच्छी बात है। मोस्टली पीके वन वैल्यू इज लगभग 2 के इक्वल होती है, 1.5 टू 2 के बीच में होती है, ठीक है? मोस्टली की बात कर रहा हूं। और पीके 2 वैल्यू जो होती है वो वैरी करती है 9 टू 9.1 या समथिंग, ठीक है? इसके बीच में वैरी करती है, तो ये याद रखना है, क्योंकि अगर किसी का याद नहीं रख पा रहे तो ये याद रख लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे ग्लाइसिन का पीके वन वैल्यू 2 ले लिया, तो जब हमारा पीएच 2 हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे ही हमारा
मतलब टू तक रहेगा, जैसे ही टू पे पहुंचेगा ये वाला अपना प्रोटॉन ये रिलीज कर देगा, ठीक है, ये वाला अपना प्रोटॉन यहां से रिलीज करेगा, तो ये क्या बनाएगा, COO नेगेटिव सी एच आर एंड NS3 पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें क्या, कौन सा प्रोटॉन रिलीज करना है, NS3 वाला प्रोटॉन रिलीज करना, तो यहां पे फिर से हम बेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, अभी हम टाइट्रेशन का भी बना के दिखा देंगे, फिर से हम बेस प्रोवाइड कराएंगे, तो यहां पे क्या होगा, पीके टू वैल्यू लिखेंगे हम NS3 के लिए क्या लिखते हैं, पीके टू, और इसके लिए पीके वन, ठीक है, तो पीके टू वैल्यू हम तब तक बेस प्रोवाइड कराएंगे जब तक ये अपना प्रोटॉन लूज ना कर दे, ठीक है, तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारी पीके टू वैल्यू, मान लिया यहाँ पर नाइन है, अब जैसे ही नाइन पे पहुंचेगा ये अपना प्रोटॉन लूज कर देगा, ठीक है, तो फिर क्या क्या, क्या बनेगा, COO नेगेटिव, ठीक है, सी आर एच और एन एच टू, ठीक है, तो अब देखो हम इससे चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो यहां पे जब हम देखते हैं तो यहां पे सिर्फ वन प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहां पे वन माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस वन चार्ज है, ठीक है, और यहां पे प्लस, और यहां पे कोई चार्ज नहीं लगा, लेकिन नेट नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे नेट जो चार्ज होता है वो होता है, इसे हम बोलते हैं ज्यूटर आयन कंडीशन, ज्यूटर आयन कंडीशन कंडीशन व्हेन पीएच इक्वल टू पीआई, या बोले पीएच इक्वल टू पीके, ठीक है, तो यहां पे पीआई क्या होता है, आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट, अब मैं पीआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो पीआई इज इक्वल टू हो जाएगा, पीआई किसके बीच की दो वैल्यू होती है, पीके वन एंड पीके टू, तो पीके वन प्लस पीके टू अपॉन टू, क्योंकि एवरेज लेंगे इन दोनों का, तो पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा टू और नाइन अलेवन अपॉन टू 5.5, तो पी आई निकल के इसका आएगा 5.5 के समथिंग, ठीक है, इसका टाइट्रेशन कर्व भी बना लेते हैं, ठीक, कैसे टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं इसका, ऐसे तो हम पी आई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फिर से समझ लो, जैसे ही हमने पी के वन वैल्यू पीएच, मतलब अब मुझे इससे प्रोटॉन लूज करना है, तो प्रोटॉन लूज करने के लिए हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, बेस प्रोवाइड कराएंगे, तो बेस जैसे ही प्रोवाइड करेंगे, जब तक बेस प्रोवाइड कराएंगे जब तक ये अपना प्रोटॉन लूज ना करते हो, जैसे यहां से प्रोटॉन लूज करेंगे बेस हमारा क्या होता है, एनओएच होता है, एनओएच प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो यहां से ये एच अपने निकलेगा और बटर बना लेगा, ठीक है, तो तब तक हम बेस प्रोवाइड कराएंगे जब तक अपना ये हाइड्रोजन आयन निकालना था यहां से, ठीक है, तो जैसे यहां से अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा, वह वैल्यू जिस वैल्यू पे रिलीज करेगा उसे बोलते हैं पीके वन वैल्यू, ठीक है, अब जिस पे NS3 अपना प्रोटॉन लूज करता है उसे बोलते हैं पीके टू वैल्यू, ठीक है, अब इसका कर्व हम देख लेते हैं, टाइट्रेशन कर्व देख लेते हैं, यहां पे हम लेते हैं OH आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लेते हैं पीएच, ठीक है, अब जैसे फर्स्ट हमारा पीके वन, तो हम क्या किया, पीएच बढ़ाया, पीएच बढ़ाया, एक कंडीशन ही आएगी, ठीक है, अब इस कंडीशन पे जो ये वैल्यू है, यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी पीके वन, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पीके वन, ठीक है, क्योंकि अब यहां पे पीएच हमारा कितना होगा, लगभग टू के करीब होगा, तब यहां पे अपना ये क्या होगा, यहां पे जो ये वाली कंडीशन है ये पॉजिटिव और निगेटिव की सेम होगी, अब फिर से हम पीएच बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे क्या है NS3 का निकालना है, ठीक है, फिर से पीएच बढ़ाएंगे, एक कंडीशन इससे आएगी, फिर से ये कोई पीएच इसका इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, और फिर ये यहां पे अपना प्रोटॉन लूज कर देगा, यहां पे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी पीके टू वैल्यू, ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जब एवरेज लेंगे तो लगभग यहां पे आएगा, तो इसे बोलते हैं पी आई वैल्यू, ठीक है, ये हमारा ग्लाइसिन के लिए हो गया, ठीक है, तो
तो यहाँ पे अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारा कैसा होगा, यहाँ पे इस वैल्यू पे होगा हमारा COO नेगेटिव C और R H और NH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे अमाइनो लेवल ग्रुप वाले जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका हम पीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंपल अमाइनो एसिड, ठीक है। अब अमाइनो लेवल जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं जैसे बेसिक अमाइनो एसिड हो गया और एसिडिक अमाइनो, एसिडिक अमाइनो एसिड हम बोल लेते हैं ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है COOH C CH2 CH2 COO H H एंड NH3 पॉजिटिव, ये हमारा ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम तीन पीके वैल्यू हमको मिलेगी, एक पीके वैल्यू इसके लिए मिलेगी, एक पीके वैल्यू इसके लिए मिलेगी, एक पीके वैल्यू इसके लिए मिलेगी। और जो हमारा साइड चेन में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसकी पीके को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीके आर, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड का हम पीके वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट तो पीके वैल्यू ये हमारी आ जाएगी, हमने बताया कि मोस्टली अमाइनो एसिड के लिए ये होती है, ठीक है। अब सेकंड, अब इस कंडीशन में हम देखेंगे ज्यूटराइन कहां पर बनेगा, और ज्यूटराइन यहां पर बनेगा, फर्स्टली हम ये देख लेते हैं ज्यूटराइन कहां पर बनेगा, ठीक है। अब ज्यूटराइन जहां पर बनेगा वही उन्हीं पीके वैल्यू का एवरेज लेके हम पीआई वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर है हमारा ज्यूटराइन का, ठीक है। अब ग्लूटामिक एसिड और जो हमारा इधर लिख देता हूं मैं ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड 4.03 और एक का लगभग 3 point something होता है, 3.04 समथिंग होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो वो देख लेना बुक में, पीके वैल्यू की जो लिस्ट दी होती है अमाइनो एसिड की उसमें देख लेना। तो ये पीके आर वैल्यू होती है इसकी, जो पीके आर साइड चैन वाले के लिए होती है, ठीक है। तो मैं इसका क्या करेंगे, फर्स्ट सी ओ ओ एच सी आर एच एन एच थ्री पॉजिटिव, ठीक है। पहले हमारा पीके ए पीके वन लगभग 2 के करीब होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये वाला निकल जाएगा प्रोटॉन, ठीक है, और सी एच आर एन एच थ्री पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड पी आर, लेकिन यहाँ पे सॉरी ये हमने क्या से लिया, ग्लूटामिक एसिड लिया, तो सी एच टू, सी एच टू सी ओ ओ एच, ठीक है। तो सी एच टू, सी एच टू सी ओ ओ एच, ये ग्लूटामिक एसिड की कंडीशन है, ठीक है। बेसिक अमाइनो एसिड इसके पीआई वैल्यू अदर वे में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पीके वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पीके टू वैल्यू, पीके टू वैल्यू नहीं, पीके आर वैल्यू आएगी, क्योंकि अब साइड चेन का सीओएच ग्रुप निकल, सीओएच से हमारा प्रोटॉन निकलेगा, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक नेचर होता है, इसका इसको इसका प्रोटॉन लूज करने के लिए हमको बहुत ज्यादा बेस डालने की, उससे पहले ये वाला प्रोटॉन हमारा लूज हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू हमारी क्या जाती है, पीके आर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सी ओ ओ निगेटिव सी सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ एच और यहाँ पे एन एच थ्री पॉजिटिव, ठीक है, और एच। अब पीके टू, पीके टू वैल्यू लगभग 9 के बराबर होती है, और ये मैंने कितनी बताई, लगभग 4.03, ठीक है। जैसे ही हम पीएच 4.3 पे पहुंचेगा तैसे ही अपना प्रोटॉन ये वाले ग्रुप का रिलीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी निगेटिव आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी ओ ओ निगेटिव सी सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ निगेटिव एच और एन एच टू, ठीक है। अब पहले तो हम देख लेते हैं चार्ज, यहाँ पे क्या है हमारा प्लस वन चार्ज, यहाँ पे देखो जीरो चार्ज, मतलब यहाँ पे हमारा पी एच इज इक्वल टू पी आई, पी आई। अब हमें किन किन दो पी के वैल्यू के बीच कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पी के वन एंड पी के आर टू,
तो हम पी आई कैलकुलेट कैसे करेंगे ग्लूटामिक एसिड या बेसिक अमाइनो एसिड के लिए, तो उसमें हम लेते हैं पी के ए पी के वन वैल्यू प्लस पी के आर वैल्यू, ठीक है, पी के वन वैल्यू एंड पी के आर वैल्यू अपॉन टू, ठीक है। तो पी के वन हमारा दो है, पी के आर हमारा कितना है 4.03 डिवाइडेड बाई टू, तो हमारा कितना आ जाएगा 6.03 अपॉन टू 3.0 तो पी आई वैल्यू हमारी ग्लूटामिक एसिड, देखो एग्जैक्ट बुक से नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल वैल्यू रखी है, बुक में देख के अपने आप कैलकुलेट कर लेना, आइडिया बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पी आई हमारा यहाँ पे कितना आया इतना निकल के, ठीक है। तो अब पी आई हमें पता, पी आई हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, पी आई जो पी आई के लिए जो दो वैल्यू हमको लेनी होती है पी के वन पी के टू, जहां पे हमारा ज्यूटराइन बनता है, ज्यूटराइन हमारा यहाँ पे बना है, ठीक है। तो ज्यूटराइन हमारा यहाँ पे बना है तो इसके पास की दो वैल्यू कौन सी है पी के वन एंड पी के आर, ठीक है। अब हमने चार्ज की बात की तो यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस वन चार्ज है और यहाँ पे हमारा कितना है माइनस टू निगेटिव चार्ज है। तो हम इससे चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा क्या हो जाएगा। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में बोल दे कि ग्लूटामिक एसिड और पीएच दे दे तुमको, पीएच कितना दे दे, अब पीएच हमको दे दे 4.03, ठीक है। एट पीएच 4.03 पे ग्लूटामिक एसिड पर कितना चार्ज होगा, तो तुम ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हो, ठीक है। देखो 4.03 पे क्या होगा, ये वाला अपना प्रोटॉन लूज कर देगा तो दो वन और प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन तुमसे घुमा के ये पूछ ले कि पी के नाइन पर ग्लूटामिक एसिड पर कितना चार्ज होगा, तो देखो इसने पी के नाइन पे अपने एनएस टू वाला भी प्रोटॉन लूज कर दिया, अब हमारे पास दोनों निगेटिव चार्ज होते तो दो निगेटिव चार्ज होगा, ऐसे ही पूछ ले अगर पी के पीएच इज लेस देन टू तो हमारा ग्लूटामिक एसिड कितना चार्ज होगा, प्लस वन चार्ज होगा। ऐसे तुम चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो और इसकी पी आई वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ऐसे ही बेसिक अमाइनो एसिड के लिए हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होते हैं, दो अमाइनो ग्रुप होते हैं। अब जैसे हमारा सी ओ एच ग्रुप है वो प्रोटॉन जल्दी लूज कर देता है तो कम पी एच लगता है, तो उसके सी ओ एच ग्रुप के लिए जो हमारा होगा जो एन एच टू ग्रुप, उसमें एक एक्स्ट्रा एन एच टू ग्रुप होगा, उसको रिलीज करने के लिए हाई पीएच की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, ठीक है। तो हमारा ज्यूटराइन जब वो बनता है तो उसकी पीआई कैलकुलेट करने के लिए हम जो हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है उसकी पीआई कैलकुलेट करने के लिए हम लेते हैं पीके टू वैल्यू एंड पीके आर वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू। तो हम उसकी ऐसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं पीआई वैल्यू, सॉल्व करके देख लेना पीआई की टेबल कहीं गूगल से, जो हमारी पीआई अमाइनो एसिड की जो टेबल होती है वो कहीं गूगल से देख लेना, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कहीं पे समझना है तो प्लीज कमेंट में बताएं।